प्लांट डेमो और प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों ने जो नॉलेज लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा जो पार्ट है कि हमको सिस्टम के भी बारे में थोड़ा हमको समझना जरूरी है, क्योंकि बिना सिस्टम का जो है कि एक स्टेप भी जो है आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज जो सिस्टम के बारे में जो बताने वाले हैं वो कोई और नहीं, हमारे जो मेंटर हैं अनिल सिंह बनारस से, और आज उनका भी समय मिला है तो यहाँ उनसे भी आज हम लोग सीखेंगे कुछ नया भी चीज, आज हम लोग सीखने को मौका मिलेगा। तो उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो। अनिल जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। ओके ओके शिव जी, नमस्कार सभी को। नाम अनिल सिंह, मैं बनारस से हूँ और यहाँ थोड़ा ज्यादा ठंडी पड़ रहा है, इसलिए मैं जैकेट में बैठा हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि बनारस में ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ता है। तो शिव जी, मेरे पास कितना टाइम है? लग रहा है मीटिंग काफी लंबी हो चली है, तो क्या 10 मिनट टाइम है? सीखने का मौका मिले तो 12 बजे तक बैठा जा सकता है। हाँ चलिए फ्रेंड्स, मैं पीपीटी से आपको बताऊंगा। ओके, आज मेरे बताया गया था बात करने के लिए, तो मैं एक यहाँ कुछ एक एक ही पेज में पूरा मैं बिजनेस का प्लान लेके चलूंगा, यही बताऊंगा कि अगर इसको कैसे किया जाए तो बहुत अच्छा किया जा सकता है बिजनेस में। जैसे कोई भी बिजनेस में, बिजनेस से स्टार्ट करता है, गेटिंग स्टार्ट, और बिजनेस में जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी जो भी पुराना है बिजनेस, वो एक ही चीज सोचता है कि हम इस बिजनेस में एक स्टेबल और बढ़िया बिजनेस बनाए जो हमको फ्यूचर में हमारे ड्रीम को पूरा कर सके। तो इस जैसे फोटो में दिख रहा है कि एक फैमिली है, उसने एक ऐसा बिजनेस ट्री तैयार कर लिया है जो जिससे वो कितना खुशहाल नजर आ रहा है। उसकी 6 टीम 21 है, डायमंड है और खुश है। इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी इस बिजनेस में है, मेरा पहला बेसिक काम इस बिजनेस में है अर्न CSI। हम पहले इस बिजनेस में CSI कमाने पर जरूर फोकस करना चाहिए, और टारगेट हमारा जरूर होना चाहिए कि हम मिनिमम 100 PV तो करें ही करें। 100 PV तो मैं हमेशा यहाँ बोलता हूँ अपने बनारस टीम में, 100 PV करना हमारा अधिकार है, उससे ज्यादा जो करते हो हमारा व्यापार है। तो 10 PV पर डे का गोल अगर आप इस बिजनेस में लेते हैं तो आप 300 PV महीने का गोल हिट करते हैं। आगे मैं और स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे इसको बेटर किया जा सकता है। तो जब आप 300 PV करते हैं, 100 से 300 PV गोल लेते हैं, तो आप एक अच्छा कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कमाते हैं इस बिजनेस में। और इस बिजनेस को और एक स्टेप आगे ले चलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें एक 4 बेसिक पार्ट होता है। भाई मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 4 बेसिक जब इस बिजनेस को आप बहुत शिद्दत के साथ करते हैं और 9 कोर स्टेप बहुत बढ़िया से करते हैं, जब दोनों आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी तो आप इस बिजनेस में बहुत लंबे समय टिक नहीं पाएंगे। उसका रीजन है कि आप जब बिजनेस को करते हैं तो आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग आपके साथ जुड़ते हैं, हर एज ग्रुप का लोग आपके साथ जुड़ता है। आपसे कोई छोटा भी जुड़ सकता है, बड़ा भी जुड़ सकता है, हर तरह के लोग जुड़ेंगे, हर कल्चर के लोग जुड़ेंगे। तो आपका पर्सनल ग्रोथ रहेगा तब आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये सारा सब कुछ 4 बेसिक 9 कोर स्टेप में छिपा हुआ है, और इसी को करते करते आपका टारगेट होना चाहिए कि हम हर महीने एटलीस्ट एक ADR अपने साथ, अपने टीम में एक नया ADR ऐड करें। आप अगर अपने साथ एक फ्रंटलाइन ADR ऐड करते हैं हर महीने, तो आप एक अच्छे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इस बिजनेस में जब आप 4 बेसिक ज्यादा करेंगे, 9 कोर स्टेप को करते हुए 4 बेसिक ज्यादा करेंगे, वाह तो आप अधिक लोगों को वाह प्लान वाह दिखाएंगे। तो आपको आपको हर महीने कुछ नए PCs मिलेंगे, प्रीफर्ड कस्टमर, जो बिजनेस में तुरंत नहीं ज्वाइन करते हैं, तो उनको आप एज ए प्रीफर्ड कस्टमर बिजनेस में ला सकते हैं। और अगर आप 3-4 PC हर महीने का टारगेट लेते हैं तो 1 साल में आप देखेंगे आपके पास 50 परिवार, ऐसा परिवार आपके साथ जुड़ जाएगा जो एमवे प्रोडक्ट यूज करेगा। और एक परिवार अगर आप 500 से 1000 रुपए एक मिनिमम कास्ट वैल्यू जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथ महीने का 300 PV करना बहुत आसान हो जाएगा। और यही जब आप हर महीने ADR PC लाते रहेंगे तो आप देखेंगे 6 महीने 7 महीने जाते जाते आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि आपकी 4 टीम 200 PV के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी और आप बिजनेस में BFI की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और BFI एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिन है हमारे इस कोर प्लस, जब से हमारा कोर प्लस आया है CSI देन BFI। और BFI पे आप जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी इनकम होती है, साउंड इनकम होती है, और आपको अपने इनकम पे 15% का बूस्टर ऐड हो जाता है जिससे आपको आपकी इनकम 15% से बढ़ जाती है।
और जब आप इस सबको करते रहते हैं तो आपको इस बिजनेस में 3 पावर्स को यूज करना है। आप मिल के काम करिए, पूरी टीम यूनिटी के साथ काम करिए, आपको जो बिजनेस में चाहिए वही बोलिए, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड यूज करिए, और अपने क्लाइंट के सबमिशन में रहिए। दोस्तों सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे BWW सिस्टम के सबमिशन में है, सुमित बहादुर के सबमिशन में, मनोज अग्रवाल जी के सबमिशन में है, तो सबमिशन से आपके अंदर वो पावर रिलीज होती है। जैसे हम जिस भी गॉड को मानते हैं, क्या वो गॉड हमारे अंदर पावर नहीं डालता है? उस सबमिशन से हमारे अंदर पावर रिलीज होता है और उस पावर से हम काम करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को और अच्छे से करते हैं तो आप धीरे धीरे 1 साल के अंदर आप BVI स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं। और BVI सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर है दोस्तों, जहां पे आपकी 6 टीम 600 PV के ऊपर चली गई तो आप इस बिजनेस से बहुत ही अच्छा शानदार स्ट्रक्चर आप BVI पे चले जाएंगे, जहां पे आपकी इनकम पे 20% का बूस्टर एड हो जाता है, जहां पे आपके बहुत ही साउंड 25 से 30 हजार रुपए इनकम आज के डेट में लोग BVI पे एवरेज इनकम कर रहे हैं। कुछ लोग तो BVI पे भी 70 से 80 हजार रुपए कमा रहे हैं, बट एक एवरेज 30 हजार 35 हजार रुपए बहुत लोग कमा रहे हैं इस बिजनेस में BVI से। और आपको यही काम करना है इस बिजनेस में, डुप्लीकेशन आप CSI BFI एंड BVI इसी 3 चीज का आपको जम के डुप्लीकेट करना, लोगों को यही गुरु मंत्र सिखाना ग्रुप में कि लोग जो भी बिजनेस में आए वो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कमाना सीखें, कि धीरे धीरे लोग सिस्टम में आए तो वो BFI कैसे जाना उस पर उनको गाइड करना है, फिर BFI से उनको BVI कैसे जाना है। इस तरह से आप एक सॉलिड प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम तरफ बिजनेस में जाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम की बात करेंगे कि इस बिजनेस में क्लोजिंग डे सब लोग रखिए जरूर। अभी हम लोग अपने यहाँ सिस्टम में चला रहे हैं, जब से पैंडेमिक सिचुएशन आया हम लोगों ने एक क्लोजिंग डे चलाना शुरू किया है 7/17/27। पहले वीक में 7 तारीख को आपकी, अगर आपका जो भी गोल है आपका महीने का, अगर पूरे टीम से अगर 2000 पीवी का गोल है तो आपका टारगेट होना चाहिए आपका 600-700 पीवी 7 तारीख तक फिनिश। फिर अगले 10 दिन बाद 17 तारीख को टारगेट और 33-40% फिनिश, और अंतिम में आप 27 तारीख तक क्लोजिंग मैक्सिमम करके खत्म करिए। क्यों? अंतिम 3-4 दिन का रस मत रखिए, 27 तक क्लोजिंग कंप्लीट। तो 3 क्लोजिंग डे रखिए ग्रुप में 7/17/27। ये एक खुद के लिए, खुद के पर्सनल गोल के लिए काम करेगा, ग्रुप के गोल के लिए भी काम करेगा, और पर्सनल ग्रो पर्सनल ग्रुप का जो एक्युमुलेट है वही ग्रुप का गोल होता है। तो पर्सनल गोल पे लोग काम करेंगे तो ग्रुप का गोल ऑटोमेटिक अचीव होगा। और थोड़ा सा एक हैबिट डेवलप करिए, एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी, आप थोड़ा से एक्स्ट्रा चलने की कोशिश करिए। अगर आप इस महीने 100 PV किए हैं तो अगले महीने 105 PV जरूर करने की कोशिश करिए। अगर 105 होने लगे तो 110 करने की कोशिश करिए। मतलब आप अगर एक कदम एक्स्ट्रा चलने की कोशिश करेंगे तो आपका मंजिल भी आपके जल्दी करीब पहुंचेगा, नहीं तो अगर एकदम लिमिटेड गोल पे काम करते रहेंगे तो शायद आप बहुत धीरे धीरे अपने गोल के पास पहुंचेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर लेना शुरू करिए। इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे इस बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। एक नया टॉपिक हमको समझ में आया जिससे बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग इस बिजनेस को बिजनेस समझ के तो करते हैं बट इसके साथ जो व्यवहार करते हैं वो बिजनेस की तरह नहीं करते। सोचते तो है बिजनेस है बट उसके साथ जो रिश्ता निभाते हैं वो एक व्यापार तरह नहीं निभाते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बिजनेस का कैपिटल बनाना पड़ेगा। दुनिया के कोई भी व्यापारी है अपना कैपिटल जरूर बिजनेस का बनाते हैं, छोटी सी दुकान वाला हो या आपके सड़क पे कोई छोटा सा दुकान होगा जो डेली खुमचा लगाता होगा, वो भी अपना एक कैपिटल बनाता है। हम लोग तो इस बिजनेस में कोई रिस्क ही नहीं लेते हैं, हमसे ज्यादा रिस्क तो सब्जी वाला ठेले वाला जो हमारे यहाँ गुलगप्पा आपके यहाँ फुचका बोलते हैं, वो लोग जो डेली का 2000-3000 रुपए कच्चा आइटम लगा के तैयारी करते हैं फिर मार्केट में उतरते हैं, उनको पता है कि रात को 10 बजे तक हम सारा खाली कर लेंगे, हमको इसमें कुछ इनकम आ जाएगा। हमारे हमारे प्रोडक्ट में तो वो भी दिक्कत नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में तो आप अगर 10 पैक साबुन ले लिए अगर उस महीने नहीं बिका तो साबुन तो एक्सपायरी होना नहीं, अगले महीने बिक जाएगा। बट हमने देखा है कि लोगों के घर अगर 2 पीस ग्लिस्टर एक्स्ट्रा हो जाता है लोग इतना प्रेशर लेने लगते हैं, लगता है कि बाप रे मेरी पूरी पैसा डूब जाएगा। हमसे ज्यादा रिस्क तो छोटे छोटे बिजनेसमैन लेते हैं, उनसे हमें बहुत सीखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी लोग अपना एमवे बिजनेस का एक सेपरेट अकाउंट, बैंक अकाउंट जरूर रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप अपने खर्चे वाले बैंक अकाउंट में एमबे रखेंगे, कितना पैसा आ रहा है क्या जा रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप एक एमबे के लिए एक बिजनेस अकाउंट अलग रखिए, उसका लेन देन एमबे के साथ करिए और वहां से कुछ पैसा आप अपने सेपरेट बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। बट आपका एक एमबे का बिजनेस अकाउंट अलग होना चाहिए। एमबे में आजकल अगर आप सीएसआई कमा रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट कमा रहे हैं, पर्सनल पीवी कमा रहे हैं, कस्टमर से पीवी कमा रहे हैं, तो एमबे में आजकल 3-4 बार में पैसा क्रेडिट होता है, पता नहीं चलता कितना पैसा आया। बट अगर आपका एमबे का अकाउंट अलग होगा दोस्तों, तो आप बहुत बेटर गाइड कर पाएंगे। हम जब सुमित जी के काउंसलिंग में आए थे, सुमित जी हमको पहला वर्ड ही यही बोला था, मैं कलकत्ता में बीबीएस में आया था, उस वक्त हम लोग सुमित जी के साथ टाई अप हुए थे। सुमित जी के साथ मैं बैक जब वहां पे कलकत्ता रूबी में एक मीटिंग किए थे, उसमें विशाल जी सभी लोग थे, उसके बाद सुमित जी का हमको टाइम मिला था। सुमित जी हमको एक ही चीज गाइड किया था, अनिल तुम्हारा बैंक अकाउंट अलग है कि नहीं एमबे का। सभी लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लेना सभी लोग। इसके बाद एमबे की इनकम दोस्तों जो भी आ रही है, आपको एमबे में रिपीट टर्नओवर में रिपीट लगाना है। ऐसा ना हो अभी एमबे आपका छोटा सा बच्चा है, उसने महीने का 1500 रुपए इनकम दिया और आपने उस 1500 रुपए इनको निकाल के कहीं ईएमआई दे दिया, कहीं बच्चे का फीस दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, तो वो है क्या कि आप तो अपने बच्चा अभी बड़ा ही नहीं हुआ उसको आपने नोचना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब पेड़ छोटा सा है उसमें एक ही फल लगा और उसको आपने काटना खाना शुरू कर दिया। तो आपको एमबे का पैसा एमबे में रिपीट करना, टर्नओवर में रिपीट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जस्ट सोचने कोशिश करिएगा। अनसुईया मैम तो बैंक में समझ रही होंगी, आप बैंक में सिर्फ 50,000 रुपए की एक एफडी करके आइए, आज जाइए 50,000 लेके बैंक में एफडी करके आइए और बैंक आपको 5% का बैंक इंटरेस्ट एक साल में 2500 रुपए इंटरेस्ट देगी, अगले साल आपको 52,500 रुपए पेड हो जाएगा, मतलब आपको 210 रुपए महीने पे इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 अगर आप एफडी करके बैंक में आते हैं तो। और एक छोटा सा कागज लेके घर में आके आप अलमीरा में डाल देते हैं और 12 महीने बाद जाके 2500 रुपए एक्स्ट्रा लेके आते हैं। थिंक अगेन, आपको सोचना चाहिए अगर आप एमबे बिजनेस में 50,000 रुपए लगाते हैं, ये भी बिजनेस है, दुनिया में इससे बड़ा बिजनेस का पावर किसी के पास नहीं, बट उसमें लोग बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, लोग शोरूम खोल के बैठ जाते हैं, साड़ियों की दुकान खोल के बैठ जाते हैं और आज इस पैंडमिक सिचुएशन में बहुत सारे व्यापार में ताला लग गया है। सबसे सबसे बड़ा चैलेंज तो आप देखे होंगे, एक छोटी सी मतलब इतनी बड़ा ब्रांड है बिग बाजार, सिर्फ पैंडमिक में 6 महीने सिचुएशन नहीं झेल पाई। आपको आपको पता होगा बिग बाजार क्यों बिकी, उसका एक ही रीजन है, बिग बाजार के जितने शोरूम इंडिया में थे वो सारे किराए पे थे, इसी कारण है कि वो 6 महीना का किराया भी बिग बाजार नहीं झेल पाया और उसने निर्णय लिया कि हम अपना बिजनेस बेचेंगे और रिलायंस कंपनी को उसने अपना बिजनेस बेचा। तो दोस्तों बिग बाजार जैसा तो आपका बड़ा शोरूम नहीं खोलना, आपका तो घर ही शोरूम है, आपका घर से बिजनेस होता है, आपको बिजली का बिल देना नहीं, एम्प्लॉय का पेमेंट देना नहीं, आपको शटर उठाना नहीं है, आपका घर में रहते हुए आप व्यापार कर सकते हैं। तो अगर आप 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करते हैं, कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 50,000 में एमबे का प्रोडक्ट खरीदते हैं दोस्तों, तो आपको वेरी फर्स्ट मंथ 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वहां आप एक साल में 2500 रुपए इंटरेस्ट कमा रहे थे, यहाँ 8,500 एक दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, एक परचेजिंग में 50,000 के, और 50,000 का प्रोडक्ट आपके घर आ जाएगा। और क्या आएगा दोस्तों, उस 50,000 के परचेजिंग के साथ आपके घर मंथ हफ्ता ऑफर आएगा, जो अब उस महीने ऑफर होगा, और आपके पास 50,000 स्टॉक होगा। दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 200 पीवी महीने पर्सनल करने से रोक सके, क्योंकि एक कहावत है, जो दिखता वो बिकता है। मिठाई की दुकान पे आप जाइए, अगर मिठाई दुकान वाला मिठाई ना बना के डिस्प्ले, केवल किताब दिखाए आपको, ये देखिए रसगुल्ला है, बर्फी है, कलाकंद है, चनाचूर है, तो आप क्या लेके आएंगे। बट आप डिस्प्ले देखते हैं तो वहां बोलते हैं 5 पीस है, 5 पीस हो, 2 पीस है। कहने क्या मतलब, अगर आप इस बिजनेस में आपके पास स्टॉक होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आप किसी के पास जाएंगे, तो एमबे के प्रोडक्ट की नेचुरल डिमांड आज के डेट में। और 200 पीवी आप पर्सनल करते हैं तो 3,000 रुपए आपका सीएसआई, आपका ट्रेड डिस्काउंट, आपका सब कुछ मिला के 3,000 रुपये मंथली आपको उस पर बनेगा 200 पीवी पे, और 11 महीने अगर यही करते रहते 35,000 रुपये और बना।
दोस्तों 8,500 बना, 33,000 बना, 41,500 रुपए आप बैंक में कमाए। अभी कोई टीम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपकी टीम बनी है और ये काम करेंगे दोस्तों तो आप BFI भी जाएंगे, BBI भी जाएंगे, बट मैं अभी उसकी कोई इनकम की बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं सिर्फ आपके पर्सनल टर्नओवर में दिखा रहा हूँ कि एक साल में आप 41,500 रुपए कमा सकते हैं। और दूसरी चीज क्या रहेगा कि आपका स्टॉक भी आपके घर 50,000 का रहेगा विथ लॉट ऑफ ऑफर। आपके घर लॉट ऑफ ऑफर रहेगा, अगर पूरे साल आप 200 पे भी मंथली टर्नओवर रिपीट करते हैं तो हर महीने एमएम कुछ आ पा रहा था। जैसे इस महीने क्या था, बोरोसिल पे अगर आप महीने भर काम किए होंगे, पहले आपको थ्री मतलब उसका हुआ ऑफर आ गया, उसके बाद कप का ऑफर आया, उसके बाद ग्लास एंड जग का ऑफर आया। पूरे महीने भर अगर आप 200 पीपी किए होते तो आपके घर तीन तीन बोरोसिल का ऑफर आता। तो इस तरह से आपको सोचना है, थोड़ा एक सोच की बात है। और दोस्तों एमवे बिजनेस में एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है। कुछ एमवे में नया नियम आया है, मिनिमम टर्नओवर क्राइटेरिया इन एमवे बिजनेस। हर साल दोस्तों, हर साल का मतलब है 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 ये किनके लिए अप्लीकेबल है, जिनकी ज्वाइनिंग एमवे बिजनेस में 5 मई 1998 से 30 जून 2020 तक है, जो इस पीरियड में आते हैं उनके लिए साल काउंट होगा 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021, फिर अगले साल 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। तो इनके लिए ईयर इस तरह काउंट होगा। और कुछ लोग होंगे जो 30 जून के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, 30 जून 2020 के बाद, तो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 365 डे देखा जाएगा। यानी जैसे कोई बंदा आज अगर 26 नवंबर 2020 को ज्वाइन करता है तो उस बंदे के पास टाइम होगा नेक्स्ट ईयर 25 नवंबर 2021 तक 365 दिन के अंदर उसको मिनिमम टर्नओवर ₹10,000 का करना है। उसको ₹10,000 की वैल्यू इस बिजनेस में अपने लिए परचेज करनी है, और वो 10,000 की जो वैल्यू है उस वैल्यू में मिनिमम 5,000 होना चाहिए 3 वेरीफाइड कस्टमर सेल्स। आपका 5,000 वैल्यू कस्टमर को होना चाहिए जो वेरीफाइड कस्टमर हो, और ₹5,000 आप सेल्फ पे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पीसी पे भी कर सकते हैं, दोनों मान्य है। बट एक इम्पोर्टेंट इसमें बात जरूर है कि आप साल में एक वैल्यू परचेज अपने कोर्ट पे जरूर करना है। ऐसा ना हो कि आप पीसी पे बिलिंग करने के चक्कर में आप अपने कोर्ट पे करना ही भूल जाए। इसलिए आपको अपने भी कोड एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने कोड पे भी करना जरूरी है। और अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, इफ यू नॉट फुलफिल रूपी 10,000 क्राइटेरिया इन ए ईयर, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कोड विल कन्वर्ट एज ADR, यानी जो आपका कोड है वो एज ADR कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अनिल सिंह हूँ, मेरे नीचे बहुत बड़ी टीम है और मैंने पूरे साल में 10,000 की परचेजिंग नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी, हमको हमारा जो एमए डायरेक्ट सेलर क्राइटेरिया है उससे एमबे हमको एमबे डायरेक्ट रिटेलर बना देगी, बट मेरे नीचे का टीम जो है मेरा टीम बना रहेगा, टीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और बाय द वे हम अगले साल भी कुछ नहीं करते हैं, नेक्स्ट ईयर भी हम 10,000 की परचेजिंग नहीं करते हैं तो कंपनी ADR को पीसी में कन्वर्ट कर देगी, यानी हम एज ए ग्राहक हो जाएंगे। और अगर एज ए ग्राहक भी हम 10,000 की परचेजिंग नहीं करते हैं तो हमारा कोड डिलीटेड फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए हमको एमबे की दुनिया से डिलीट कर दिया जाएगा और हमारे नीचे की पूरी टीम अपलाइन को शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब एमबे दो साल आपको मौका दे रही है अपने कोड को बचाने के लिए। और दोस्तों 10,000 रुपए इतनी छोटी फिगर है, अगर 10,000 को 12 महीने से भाग दीजिए तो मात्र 834 रुपए आता है, यानी 834 रुपए महीने का आप अपनी डेली नीड्स की जरूरतों को समान यूज करके अपनी डायरेक्ट सेलर कोड को सेव कर सकते हैं। मैं इसको नट सेल में अगर रैप अप करूं तो इसका सीधा मतलब है जो इस बिजनेस में कुछ नहीं करते उनके लिए नियम है। और हमारे जो बिजनेस में लीडर हैं, जो बिजनेस को बहुत ही शिद्दत से कर रहे हैं, जो बिजनेस को अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, वो तो 100 PV हर महीने कर ही रहे हैं, मिनिमम 100 से 300 PV, तो उनका तो 10,000 क्राइटेरिया तो हर महीने पूरा हो रहा है। ये तो उनके लिए जो बिजनेस आ तो जाते हैं, बट उनका इमोशन या उनका एक्साइटमेंट बिजनेस को लेके बहुत बड़ा नहीं हो पाता। तो इस बिजनेस से बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेंगे जो आएंगे तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बट उनको लगेगा नहीं हमसे नहीं होगा। तो आप उसको एज ADR मेंटेन करके, उसको हमारे कई ADR भी हमारे इस बिजनेस में कस्टमर की तरह होंगे,
तो आप उसको 1000 रुपए का भी कस्टमर मान के उसको सर्विस अगर देते रहते हैं, अगर आपके फ्रंट लाइन में, सपोज आपके फ्रंट लाइन बिजनेस बना रहे हैं, आपके टीम में 6-7 वर्किंग लेग है और आपके पास करीब 20 ADR ऐसे हैं जो सिर्फ पोर्टेड यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोई ADR 10 PV करेगा, कोई 5 PV, कोई 4 PV, कोई 20 PV, कोई 25 PV, तो भी आपको कम से कम ADR से भी 300-400 PV आ रहा है, तो आपका पर्सनल PV है। तो आपको अपने ADR को भी एज ए कस्टमर मान के सर्विस देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो पूरा सिस्टम इस तरह से दोस्तों रन करता है, मेरा इस 15 मिनट के प्रेजेंटेशन बताने का ही मतलब था कि अगर आप उसको पूरे सिस्टम को समझ के अगर प्लानिंग से काम करते हैं तो इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। स्ट्रक्चर को राइट बना के, स्ट्रक्चर को अच्छा बना के, कुछ ADR ज्वाइन करा के, कुछ कस्टमर ज्वाइन करा के हम अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और सभी लोग अपने टीम में 10,000 वाले क्राइटेरिया को भी अगर फुलफिल कराने पे काम करेंगे तो आपके खुद के टीम में बहुत सारी PV छुपी हुई है, आपके टीम से ही इतनी PV होने लगेगी कि आपको बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरे साइड से बस इतना ही था और बैक टू होस्ट शिव जी। आपने कोई भी डाउनलाइन अपने अपलाइन को दोष नहीं दे सकता है कि यदि आज इस प्रोग्राम को नहीं देखा तो फिर उसको दोष देने का जो है, ब्लेम लगाने का जो है रास्ता आज के बाद वो बंद हो चुका है। क्योंकि आज जो अनिल जी जितना क्लियरिटी जो है सारा चीज का पिक्चर एकदम क्लियर कर दिए कि आप जो है क्या करेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं करेंगे तो उसका भी क्या होगा, तो ये सब सारी बातें आज के जो है कि इस सेशन में आपको सीखने का मौका मिला है।